गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम नेहा। आई होप यू ऑल आर गुड। दिस इज योर मोरल बुक। लेट अस स्टार्ट योर चैप्टर। दिस इज योर न्यू सिलेबस फॉर यूटी, नेक्स्ट यूटी, विच इज चैप्टर 6, वर्ड्स एंड एक्शन। नेक्स्ट चैप्टर इज 8 चैप्टर, हार्ड वर्क। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर 6। चैप्टर 6, वर्ड्स एंड एक्शन। चैप्टर नेम इज वर्ड्स एंड एक्शन। नाउ थॉट इज एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। तो आते हैं, यू हैव टू रीड द होल चैप्टर। आई कैन एक्सप्लेन यू स्मॉल समरी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के से और उसके फादर हैं जो बहुत गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो उनका बच्चा हमेशा मिठाई मांगता रहता है। और इसमें एक संत है जो उसको क्या करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं कि तुम्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फादर की बात नहीं सुन रहा था। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वंस देयर वॉज अ बॉय हु लव्ड ईटिंग स्वीट्स। तो क्या था, एक लड़का था जिसे बहुत ही मीठा खाना पसंद था, या मिठाई खाना पसंद था, टॉफी खाना बहुत पसंद था। तो ये ऑलवेज क्या करता था, अपने पापा से पूछता, कहता था कि पापा मुझे मिठाई चाहिए या टॉफी चाहिए। फिर उसके फादर बहुत गरीब थे तो वो हमेशा उसके लिए टॉफी नहीं ला सकते थे, अपने बच्चे के लिए टॉफी नहीं ला सकते थे। बट द लिटिल बॉय डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस। लेकिन उनका जो बच्चा था, वो छोटा बच्चा था, वो नहीं बिल्कुल समझ रहा था कि वो पापा उसके टॉफी नहीं ला सकते। द बॉय ए फादर थॉट हार्ड। अब उसके पापा ने क्या किया, बहुत ही देर तक सोचा, बहुत ज्यादा कठिनाई से उसने सोचा और कैसे अपने बच्चे को रोकना है रोज रोज टॉफी के लिए पूछने के लिए। देयर वॉज अ संत लिव नियर बाय एट द टाइम। क्या था, जहाँ वो लोग रहते थे उसके बगल में एक मोनेस्ट्री था जहाँ पे क्या थे, एक संत रहते थे। तो अब फादर के दिमाग में क्या आया, द बॉयज फादर्स हैड अ आइडिया, हैड एन आइडिया। क्या हुआ, उस फादर के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को वहां लेके जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि आप क्या करिए, मेरे बच्चे को समझाइए कि वो रोज टॉफी मांगना बंद कर दे, हमेशा टॉफी मांगना बंद कर दे। नाउ द बॉय एंड हिज फादर्स वेंटेड टू द संत। अब संत के पास जाते हैं, लुक एट द पिक्चर। फिर क्या होता है, तो फादर कहते हैं संत से, ओ ग्रेट संत, कुड यू आस्क माई सन टू स्टॉप आस्किंग फॉर स्वीट विच आई कांट अफोर्ड। तो क्या बोलते हैं फादर, फादर बोलते हैं कि महान संत जी, आप क्या कीजिए, आप मेरे जो बच्चे है, बच्चा हमेशा ये कहता है, उसको कह दीजिए कि मैं उसके लिए हमेशा टॉफी नहीं ला सकता, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इतना गरीब हूँ कि मैं हमेशा उसके लिए टॉफी नहीं ला सकता। तो द संत वॉज इन डिफिकल्टी। अब संत को क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा वो परेशानी में पड़ गया। क्यों, क्योंकि उसको भी बहुत पसंद थी मिठाई। हाउ कुड ही आस्क द बॉयज टू गिव अप फॉर द स्वीट्स। और कैसे बोल सकता था एक लड़के को कि तुम मिठाई मत खाओ, क्योंकि संत जी को भी पसंद थी बहुत सारी मिठाई, मीठा खाना उनको भी पसंद था। अब क्या हुआ, द हॉली मैन टोल्ड द फादर टू ब्रिंग हिज सन बैक आफ्टर 1 मंथ। अब क्या है, हॉली मैन से बोलता क्या है कि आप अपने बच्चे को 1 महीने बाद लेके आइएगा। ड्यूरिंग दैट मंथ, उसके बाद क्या करते हैं संत, जो खुद पे ही मीठा खाना पहले छोड़ देते हैं। वो 1 मंथ में क्या करते हैं, अपना मीठा, जो उनको मीठा बहुत पसंद था, तो वो बॉयज को कहने से पहले, जो बॉय था उसको कहने से पहले क्या है, खुद के लिए मीठा खाना छोड़ देता है 1 महीने में। और वो क्या करता है, जब उसके फादर 1 महीने बाद, जो फादर और सन दोनों 1 महीने बाद आते हैं, तब उससे संत जी लड़के से कहते हैं, क्या कहते हैं, माई डियर चाइल्ड, विल यू स्टॉप आस्किंग फॉर अ स्वीट विच योर फादर कांट अफोर्ड टू गिव यू। तो क्या है, आप उस बच्चे से कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्या प्लीज ये बंद कर सकते हो कि बोलना बंद कर सकते हो कि मुझे रोज मीठा चाहिए, क्योंकि तुम्हारे फादर ये रोज अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं ला सकते तुम्हारे लिए इतनी सारी टॉफी। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से बॉय ने ये पूछना बंद कर दिया अपने पापा से। तो बॉय फादर आज द संत, फिर फादर के जो बॉयज के फादर थे वो आते हैं संत के पास और पूछते हैं, वाई डिड यू नॉट आस्क माई सन टू गिव अप आस्किंग फॉर अ स्वीट वेन वी कम टू यू अ मंथ एगो। क्या था, जब हम पहली बार आए थे, फादर जब पूछते हैं, बोलते हैं संत जी से, कि हम पहली बार आए थे आपके पास, तो आपने पहले क्यों नहीं बोल दिया मेरे बच्चे से ये टॉफी मांगना बंद कर दे। तो संत जी ने क्या रिप्लाई किया, द संत रिप्लाई, हाउ कुड आई आस्क अ बॉय टू गिव अप स्वीट्स वेन आई लव स्वीट्स माई सेल्फ। कैसे मैं मना कर सकता था खाने के लिए उस लड़के को मीठा खाना, क्योंकि मुझे खुद भी क्या पसंद है, स्वीट्स। ड्यूरिंग द लास्ट 1 मंथ आई गेव अप ईटिंग स्वीट्स। क्या हो गया है कि ये जो लास्ट मंथ था, 1 महीना था, मैंने उसमें क्या किया, मैंने भी मीठा खाना छोड़ दिया। नाउ आई कैन क्या कर सकता हूँ, मैं उस बच्चे से कह सकता हूँ कि तुम मीठा खाना छोड़ दो। तो अब उसने जब कहा है तो उसके बाद क्या हुआ, उसका रिजल्ट अच्छा मिला उसको।
अ पर्सन ओन एग्जाम्पल इज मच मोर पावरफुल देन जस्ट हिज वर्ड. क्या है, एक पर्सन का एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा होता है ना कि उसके वर्ड्स. बोलना से अच्छा है क्या है, वो करके दिखा दे. देन वी आस्क समवन टू डू समथिंग. अगर हम किसी से कुछ कहते हैं करने को, पहले हमें खुद से करना चाहिए. वी मस्ट डू इट आवरसेल्फ. क्या है, वो हमें खुद से पहले करना चाहिए. वी शुड नॉट आस्क अदर टू डू व्हाट वी कांट डू आवरसेल्फ. क्या है, हमें वो चीजें नहीं करनी चाहिए जो हम नहीं कर सकते हैं. हम अपने आप में खुद से वो चीजें नहीं कर सकते. अगर हमें वो चीज कहनी चाहिए जो हम खुद से अपने आप में कर सकें. नाउ स्टोरी इज कम्प्लीटेड, कम्प्लीट योर वर्क. नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज मेक श्योर दैट योर एक्शंस एंड द वर्ड्स आर सेम. जो आप कहते हो वो आप करते हो तो एक बड़ा सा अच्छा सा एग्जाम्पल निकलता है और वो बहुत पावरफुल होता है दूसरे के ऊपर. जिसके लिए आप कह रहे हो वो आपको क्या होता है, आपकी बात मानता भी है. थैंक यू.